गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और आज के लिए बिल्कुल तैयार होंगे इस सेशन के लिए। तो स्वागत है आपका आज के इस सत्ते पे सत्ता सेशन में, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं मैं आपको, नाम लवली झा, फरीदाबाद से हूँ और पिछले 2.5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। इस बिजनेस में आने का रीजन क्या था? बाय प्रोफेशन एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, बहुत बड़ी MNC में जॉब करती थी, बट वहां कुछ मिसिंग था, सेटिस्फाई नहीं थी मैं अपनी लाइफ से। फिर मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, आज अच्छी इनकम ले रही हूँ और साथ में और अपनी टीम के साथ ग्रो कर रही हूँ। और अगर ड्रीम की बात करूं तो मैं अगले साल 8 दिसंबर को, जो मेरे पीछे आप ये प्यारी सी गाड़ी देख रहे हैं, वो ले रही हूँ। और 2025 में न्यू ईयर पे मैं यहाँ से 2 करोड़ का घर लेने के लिए प्लान कर रही हूँ। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि ये मंथ आप अगर प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा अपने बिजनेस में, कुछ लेवल्स आप प्लान कर रहे हैं, या इस ईयर की आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं धमाकेदार, तो आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, ताकि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल हो। तो देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं जिनको बुलाना चाहूंगी उनको किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमारी सुपर अपलाइन है, अभी रिसेंटली उन्होंने 1.5 करोड़ का घर लिया है गुड़गांव में और 3.5 लाख रुपए की इनकम को यहाँ से एंजॉय कर रही हैं। सो मैं स्वागत करती हूँ पल्लवी मैम का। पल्लवी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच लवली, एंड सबसे पहले आपके लिए जोरदार तालियां इतनी शानदार शुरुआत करने के लिए। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 5.5 सालों से एंजॉय कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ, और समझ में नहीं आया कि लाइफ कब, वो कहते हैं ना एकदम से पलट जाना, वो कैसे पलट गई मोदी केयर के साथ मुझे समझ ही नहीं आया। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो अपनी लाइफ में वो छोटे 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 चैलेंजेस को लेकर थोड़ी सी चिंतित थी कि क्या हमारी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, क्या हमारी लाइफ में हम भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, और बस कुछ तलाश थी। तभी जिंदगी में सुरेखा भार्गव मैम आई, साथ में मोदी केयर अपॉर्चुनिटी लाई, और समझ में आया कि साबुन सरफ तेल बदलने से अगर सपने पूरे हो सकते हैं तो ये सामान तो मैं महीने के 1 तारीख को ही मोदी केयर से खरीदने के लिए तैयार हूँ, बदले में मेरे सपने जो पूरे हो सकते हैं। और बस यही सोच के साथ दोस्तों इस बिजनेस को शुरू किया। 160 रुपए महीने की इनकम से बिजनेस शुरू हुआ था, आज 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम, एक बलेनो गाड़ी मोदी केयर से ले चुके हैं, तो साथ ही साथ में 1.5 करोड़ का आलीशान गुड़गांव में घर ले लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हर साल एक विदेश यात्रा मोदी केयर से लेते हैं, और अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। 2025 में मोदी केयर से ले रहे हैं 20 करोड़ का घर, साथ ही साथ में 2023 दिसंबर तक प्लान है अपनी टीम में 101 मिलेनियर बनाने का। तो ये है दोस्तों मोदी केयर की पावर, बड़ा सोचते जाते हैं और उनको पूरा करते जाते हैं, पर ये सब होता कैसे है? आज का सेशन, जैसे कि आपको पता है कि सत्ते पे सत्ता 1, मैम ने एक बहुत ही फैंटास्टिक थीम हम लोगों को दी है, और अगर इस थीम को पकड़कर हम पूरा महीना काम करेंगे तो शायद आने वाला वो हर साल हमारे सपनों को पूरा करेगा, क्योंकि सत्ते पे सत्ता थीम इतनी जबरदस्त है, शानदार है, कि बस आपको इसको लेकर एनर्जेटिक रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ते जाना है, सीखते जाना है, एंड डेफिनेटली आप अपने सारे सपनों को सत्ते पे सत्ता के साथ हर बार आप वो सत्ते पे सत्ता फेंक सकते हैं, खेल सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है दोस्तों सेलिंग। सेलिंग कैसे करनी चाहिए? आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी, हो सकता है आप भी परेशान हो कि 60 PV कैसे करें, 120 PV कैसे करें, लेकिन आज हमारी टीम के कुछ ऐसे धुरंधर लोगों से आपको मिलवाऊंगी जो 250 PV से भी ज्यादा पर्सनल अपनी ID पे कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं, क्या उनके टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, सेलिंग करने को अपने माइंड पे, अपने सर पे बोझ की तरह नहीं रखना है, आपको इसको एंजॉय करना है। बिकॉज जब आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग एक दूसरा नाम होता है प्रोस्पेक्टिंग का। कुछ लोग शुरू में ही जब हम उनको बिजनेस प्लान समझाते हैं या डेमो दिखाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर जाती है और वो डिसीजन मेकर होते हैं, बिकॉज तो वो फटाफट से डिसीजन लेके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं शायद कॉन्फिडेंस लूज होता है, डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई भी कारण हो सकता है, वो लोग क्या करते हैं, वो पहले कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो प्रोडक्ट को यूज कर अपना ट्रस्ट बिलीव करते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ वाली जो स्थिति होती है उससे ओवरकम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, उनको यूज करते हैं,
और वो प्रोडक्ट उनका जो बिलीव लेवल है उसको धीरे 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 बिल्ड करने का काम करता है। अब यहाँ पर एज अ मेंटोर आपका क्या काम है, जब आप किसी के घर मीटिंग करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका माइंडसेट तो यही है कि इंसान ज्वाइन करे, बिजनेस करे, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपने माइंड में एक सेकेंड पहलू भी बिल्ड करके चलना होता है, अपने माइंड को एक कमांड देके चलिए। कोई ज्वाइन करता है वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन जब आप किसी मीटिंग में गए हैं, मेरा हमेशा से यही है, मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 5.5 साल हो गए, और मैं हमेशा जब भी घर से कोई होम मीटिंग करने निकलती थी तो मैं अपने माइंड को एक कमांड देती हूँ, मैं अपने माइंड को ये कमांड देती हूँ कि जब मैं घर से निकल के जा रही हूँ, ऑब्वियसली इट्स टाइम कंज्यूमिंग, मेरा पैसा कंज्यूम हो रहा है, किराया लग रहा है, तो साथ ही साथ में मेरा बच्चा भी सफर कर रहा है। अब अगर मैं उस होम मीटिंग से कुछ निकाल कर इनपुट नहीं लाऊंगी तो वो मेरी होम मीटिंग वेस्ट है, उस होम मीटिंग से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो जब भी आप कोई होम मीटिंग करने जाएं तो ट्राई कीजिए, जब आप वहां प्रोडक्ट के डेमो दिखाएं तो आप उनसे ऑर्डर के बारे में बात कीजिए। इसी तरीके की कुछ शानदार टिप्स आज मेरे लीडर्स आपको देंगे, तो इसीलिए बने रहिए, अपने लोगों को कॉल कीजिए, फटाफट मैसेज डालिए। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी डायनामिक लीडर, बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और साथ ही साथ में अपनी आईडी पे 250 पीवी से भी ज्यादा पर्सनल पीवी करती हैं और अपने लोगों को भी इसी चीज के लिए एनकरेज करती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्मिला राजेश कुमार जी की। वेलकम उर्मिला जी। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और सुरेखा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम उर्मिला और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मोदी के बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया और बस यही समझ आया प्रोडक्ट्स को यूज करना है और शेयर करना है। असल में प्रोडक्ट्स लाजवाब है, और बात करूँ अचीवमेंट्स की, इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए पार्ट टाइम के इनकम से हस्बैंड को फोन गिफ्ट कर चुकी हूँ, अपने आप को गोल्ड का मंगलसूत्र वर्थ 60,000 का गिफ्ट कर चुकी, और फ्यूचर गोल की बात करूं तो दिसंबर 2023 तक 1,00,000 के इनकम पे काम कर रही हूं। साथ ही साथ टीम के सपनों को भी यहां से पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और जैसा कि अभी हमें पल्लवी मैम ने बताया कि कैसे हम अपनी आईडी पर इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू 200 से 250 या 250 से 300 पीवी इजिली कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अपने माइंड से हटा दीजिए कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चीजों की नॉलेज लेकर। तो आइए कुछ मैं आपको टिप्स बताना चाहूंगी जो मैं करती हूँ, आई होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, सेल्फ यूज का, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सेल्फ यूज करना होता है, जो मैंने भी किया। जब सेल्फ यूज करते हैं तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट पे ना कहते पकड़ बहुत अच्छी बनती है, प्रोडक्ट को आप किसी को एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से कर पाते, इवन उसकी जो ऑब्जेक्शंस होती हैं वो भी आप बहुत बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर पाते। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत आएगी। तो क्या करना है आपको कि प्रोडक्ट्स को आपने यूज किया, अब बात आती है यूज कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब इसको क्या करना है कि हमें शेयर करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, लोग डर जाते हैं, अब मैं किसको शेयर करूँ, कहाँ शेयर करूँ, लोग मुझसे देंगे नहीं। तो आप टेंशन मत दीजिए इस चीज की, आप कॉन्फिडेंट है, दैट इज ओके। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट फोन में है, इवन आपने जो प्रोस्पेक्टिंग की है, जो भी लोग हैं, उन लोगों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। व्हाट्सएप पे एक फीचर अवेलेबल है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जिसमें आप किसी को अगर मैसेज देते हैं ना, वो आपको पर्सनली मैसेज जाता है। तो एक तो पर्सनल टच बनता है यहाँ पे, तो वैसे ही बंदा इंप्रेस होता है क्योंकि पर्सनल अटेंशन हर कोई चाहता है। तो उनको आप एक्सप्लेन कीजिए, आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन उनको दीजिए। उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं या बता सकते हैं, फैब, FAB। फैब मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स, ए फॉर एडवांटेज प्रोडक्ट के, और उससे मिलने वाला बेनिफिट्स। जब ये तीन चीजें लोगों को क्लियर होंगी ना कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से क्यों यूज करें, किस लिए यूज करें और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आपके पास उसके ऑर्डर्स आते हैं। तो ये कैसे होगा, सेल्फ यूज से और शेयरिंग से। तो ये मैंने आपको बताया पहला, इस फॉर्मूला को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऑर्डर इकट्ठे कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग। आप हमारे पास इतनी सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, और सैम्पलिंग को अगर आप प्रमोट करें
एज अ सैंपल किसी को प्रोडक्ट्स दें तो मैं आपको बताना चाहूंगी इससे बहुत बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। अब आज की डेट में कहूँ तो डेली नीड्स के प्रोडक्ट पे फोकस कर लेंगे। आज हर घर में हर किसी को पेट की समस्या है, हर घर में किसी न किसी को दर्द की समस्या है, हड्डियों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा है। तो क्या करना है हमें, और हर घर में पोचा तो लगता ही है, स्टेरिक्लीन हमारा एक प्रोडक्ट है, तो क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग आप रेडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने कुछ ये अमृत शक्ति एंड कैल्शियम के पाउचेस रेडी किए हैं। आप इस तरह के कुछ पाउचेस अपने पास रेडी कर सकते हैं। हेयर फॉल एंड हेयर डैंड्रफ के लिए हमारे पास ऑलरेडी पाउचेस अवेलेबल हैं। तो आप जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं या अपने नियर एंड डियर में अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में तो उनको एक सैंपल दे दीजिए। मान लीजिए मैं किसी के घर गई, बातों बातों में पता चला भाई कि उनको पेट की समस्या बहुत है, डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब है, तो उनको मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उनको अमृत शक्ति का जो मैंने पाउच रेडी किया है मैं कहूंगी आंटी आप ये रख लीजिए और इसको यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप मेरी बात, मेरे कहने पे आपने बहुत चीजें ट्राई की, आप मेरे कहने पे एक बार इसको यूज करके देखिए। फिर आपको क्या करना है, 5-6 दिन बाद उनके घर फिर जाना है, और जब आप उनके घर जाए तो आपके पास अमृत शक्ति का डिब्बी होनी चाहिए, ये भी मैं बता दूं। जब आप उनके घर जाए तो उनसे वो फीडबैक लीजिए कि आंटी आपको मैंने जो गोली दी आपने वो खाई तो आपको कुछ आराम लगा। तो डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलते हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसी के साथ आपको उनको बताना है कि देखिए आंटी ये ना मैंने आपको सैंपलिंग दी थी, ये डब्बी इतने की है, अगर आप इसे अपने पास रखते हैं, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम तो अक्सर होती रहती है बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को, तो ये गोली लेते हैं तो उससे रिलीफ मिल जाता है। तो मैं कहती हूँ कि वो हैंड टू हैंड आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, यानी आपका ऑर्डर एक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की सैंपलिंग उनको दे सकते हैं। बातों बातों में कहते हैं कि पता चला भाई उनको घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, आजकल मसल पेन विंटर स्टार्ट हो गई उसमें बहुत दर्द होता है, तो क्या करेंगे, आपको पता है हमारे पास एक ऑयल रिलीज हुआ है, पेन ऑयल, पेन रिलीफ ऑयल, तो आप उसकी सैंपलिंग टी ट्री ऑयल की बॉटल में थोड़ी सी उनको दे के आइए और कहिए कि इससे मसाज कीजिएगा, मैं आपसे 2-3 दिन बाद पूछूंगी कि आपको कैसा लगा। तो क्या हुआ, एक प्रोडक्ट तो आपने सेल कर दिया, साथ ही साथ आपको आपने दूसरे प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग कर दी, यानी वो भी आपका प्रोडक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को सैंपलिंग पाउची, शैम्पू के पाउची, जिनको हेयर फॉल की समस्या है, जिनको डैंडर की प्रॉब्लम है, उन सभी को आप पाउची एक एक पाउच दीजिए, और डेफिनेटली आपके पास या तो कंप्लीट पाउच पैक का ऑर्डर आएगा, नहीं तो बॉटल का ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं टेक्निक आपने प्रोस्पेक्टिंग में या नियर एंड डियर में जब प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा तीसरा वीडियो। वीडियो टूल बहुत इफेक्टिव है। अब वीडियो टूल के लिए आपको करना क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके अपनी एक शॉर्ट वीडियो, बहुत लेंथी नहीं, क्योंकि लेंथी इसलिए नहीं क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। आप कुछ सोचिए, अगर लंबी वीडियो मैं नहीं देखना पसंद करती तो कोई और भी देखना पसंद नहीं करता, तो आपको शॉर्ट वीडियो इन शॉर्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट क्या करता है, किस काम आता है और इसके क्या बेनिफिट्स है तो वो बता देना है, और अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे, नियर एंड डियर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर। आई एम श्योर डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स भी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और मैं अपनी टीम में इस चीज को डुप्लीकेट करती हूँ। कुछ वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ किस टाइप की हमें वीडियोस बनानी चाहिए, और हमें ये आइडिया हमारी ग्रेट अपलाइन पल्लवी मैम ने दिया था। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए। हाय, क्या आप भी सर दर्द से परेशान है? मैं भी आज से कुछ समय पहले तक इस चश्मे से मैं भी परेशान थी, लेकिन अब मोदी केयर की इंटेलेक्टे लेने से मुझे इस चश्मे से छुटकारा मिल चुका है, एंड अभी मेरे सर में कोई दर्द नहीं है, आँखों का नंबर कम हो चुका है, एंड जो भी हेडेक था, जो भी पेन था, वो सब ने मुझे मोदी केयर इंटेलेक्टे ने मुझे उससे छुटकारा दिलवा दिया। तो आप भी आज ही इंटेलेक्टे ऑर्डर कीजिए और इस चश्मे से छुटकारा पाइए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उर्मिला आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आई हूँ, मोदी केयर का वेल का एल कार्निटाइन, जो कि दो फ्लेवर में मिलता है हमें, फ्रूट पंच में एंड सीट्रस फ्लेवर में। मेरे पास फ्रूट पंच है
और आपको बताना चाहूंगी एल कार्निटाइन एक्चुअली क्या करता है। ये हमारे फैट को, एक्सेस जो फैट हमारी बॉडी में होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर की, कहते हैं ना, स्टेमिना भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपका फैट भी रिड्यूस होता है। तो अगर आप इसको डेली कंज्यूम करते हैं तो आपको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपकी सेल भी बहुत, मतलब, एक्टिव रहेंगे काम करने में, कभी भी बॉडी को थकान नहीं फील होगी। मैं तो यूज़ कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखें। फैट फ्री है, शुगर फ्री है, और इसमें 3000 पर सर्विंग आपको 3000 कार्निटाइन आपकी बॉडी को मिलता है, जो आपकी फैट को रिड्यूस करता है, आपकी फैट को बर्न करता है। एक्चुअली ये फैट बर्नर का काम करता है, यानी कि आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है, एक बार जरूर मुझसे रिव्यू भी शेयर कीजिएगा जब आप यूज़ करें। थैंक यू सो मच। हाय, ये है मेरी यम्मी गम्मी और ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये लेमन फ्लेवर और लेमन फ्लेवर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ कैसी है। ये टेडी बियर के शेप में आती है, तो आप देख सकते हो, और ये बहुत टेस्टी होती है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें सारे विटामिन में है और आप, मैं तो खा रही हूँ, आप भी साथ में खाइए। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ हम ही नहीं, हम तो कर ही रहे, हमारे बच्चे भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है इन प्रोडक्ट को, कैसे हम बता सकते हैं। मेरी बेटी, मैं खुद बताऊँ, जब बच्चे यूज करते हैं तो इस प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो आपको वहां से भी ऑर्डर मिलते हैं। तो ये वीडियो टूल्स आप अपने बच्चों की बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं, और यही चीज टीम में सर्कुलेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि इस चीज पर, टूल पर काम करें और उनको आगे से आगे ऑर्डर आए। आपको ऑर्डर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे और आपको, कहते हैं ना, अपने आईडी पे 200 क्या 300 पीवी करना भी इजी हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि देखिए, ट्रस्ट बनता है लोगों का जब आप हाथ में प्रोडक्ट लेके वीडियो अपनी बना रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहे, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बनता है, उस प्रोडक्ट पे बनता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आपको इसको जरूर यूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिव्यू। आप सभी लोग जानते हैं कि आज ऑनलाइन का जमाना है, हम भी, अगर मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं कि अगर कस्टमर के रिव्यू अच्छे हैं तो हम ये प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर कस्टमर ने रिव्यू गलत डाले हैं तो हम ये प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जिन लोगों को भी आपने सैम्पलिंग दी है या आपके यूजर्स हैं जो भी हैं, तो आप उन लोगों से व्हाट्सएप पे रिटर्न में उनसे रिव्यू मांगो, आपको मैंने ये प्रोडक्ट दिया था, आपको इससे क्या फायदा मिला या आपको इससे क्या रिलीफ मिला, आप मुझे बताइए। या आप एक छोटी वीडियो उनकी मंगा सकते हैं, अगर आप नियर बाय में हैं तो उनके वीडियो बना सकते हैं और वो वीडियो आप अपने स्टेटस पे दीजिए, अपनी टीम में सर्कुलेट कीजिए, मुझे इस प्रोडक्ट से मैंने इनको दिया, ये बेनिफिट मिला। तो ये क्या होगा, ये आपको तो हेल्प करेगा ऑर्डर लेने में, साथ ही साथ आपकी टीम को भी हेल्प करेगा, तो वो भी ऐसे ही एक्शन लेंगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो जैसा आप करेंगे सेम टीम आपको कॉपी करती है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी। हमें क्या करना है, सेल्फ यूज करना है, उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रोडक्ट को शेयर करना है, उसके बाद हमें सैम्पलिंग पर काम करना है, साथ ही साथ हमें वीडियो टूल का यूज करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिव्यू लोगों को जरूर शेयर करना है, ताकि लोगों के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स के रिव्यू अच्छे होते हैं ना, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आगे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। हमारी एक ग्रेट डायनेमिक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी, जो मोदी केयर की बहुत बेहतरीन, जो कैटेगरी कहते हैं ना, हाई बीवी कैटेगरी, उस पर काम करती है और उसकी प्रमोशंस को, उसके प्रोडक्ट्स को इतनी अच्छी तरह से यूज करती हैं, प्रमोशंस को यूज करती हैं कि कहते हैं ना, 200 250 300 पीवी तो छुटकियों में हो जाता है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट डायनेमिक लीडर सविता जी का, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। ओवर टू यू सविता जी। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सविता, थैंक यू उर्मिला जी इतना वार्म वेलकम करने के लिए, और मैं ग्रेटफुल हूँ पल्लवी मैम और सुदेखा मैम का कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। फ्रेंड्स, मैं राजस्थान के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आज से 3 साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ में आया था। एक साधारण सी हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड का बहुत अच्छा बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस में आने का यही
रीजन था कि अपने नाम अपनी पहचान एक बनानी थी और मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की फैन थी कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना अच्छा लगता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए तो मैं उनकी फैन हो गई और यूज करते करते कब टीम बनी और डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर और ईडी यहाँ से ले रही हूँ। 100 रुपए का चेक आज मेरा 15,000 प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये सब कमाल है मोदी केयर के अमेजिंग प्रोडक्ट से। और आने वाले टाइम में मोदी केयर से अपने बेटे को जैगवार कार दे रही हूँ जो कि 2024 में। तो फ्रेंड इतने इतने बड़ी बात एक साधारण सी हाउसवाइफ कर पा रही है तो ये कमाल है मोदी केयर और मोदी केयर के शानदार प्रोडक्ट्स का। मुझे मोदी केयर की सारी कैटेगरीज बहुत पसंद है बट मेरी फेवरेट कैटेगरी है अर्बन कलर। हर लेडीज को सजना संवरना पसंद है और मोदी केयर के अर्बन कलर के प्रोडक्ट इतने शानदार इतने अमेजिंग है कि उनसे आप यूज करके इतने ब्यूटीफुल लगोगे कि इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। कौन लेडी सुंदर नहीं दिखना चाहती है, हर लड़की हर लेडी चाहती है कि वो अपने ए से कम दिखे और ये कमाल मोदी केयर के प्रोडक्ट्स करते हैं। फ्रेंड्स इसी को मैं शेयर करते करते आज टीम भी बिल्ड कर पा रही हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे मैं अर्बन कलर पे काम करती हूँ। आपको फ्रेंड्स मैं बताऊं कि मेरी टीम में 80% काम अर्बन कलर पे होता है। हम लोग बेसब्री से मोदी केयर के अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स का जो ऑफर्स आते हैं उनका वेट करते हैं। अर्बन कलर के प्रोडक्ट इतने शानदार है कि आप किसी को भी दिखाओगे तो वो जरूर ऑर्डर देते हैं। तो 80% काम हम इस पे कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फ्रेंड अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो वो जरूर लेके बैठे क्योंकि ये टिप्स आपको बहुत काम देने वाले हैं। हमें मोदी केयर में कहा जाता है कि 100 पीवी करो बट फ्रेंड अगर आप अर्बन कलर पे काम करोगे तो 100 नहीं 400 पीवी इजीली कर सकती हूँ। मैं मेरी सिंगल आईडी पे 400 से 500 पीवी कर पाती हूँ सिर्फ अर्बन कलर पे काम करके। कैसे करती हूँ? सबसे पहले सेल्फी जो कि उर्मिला जी ने बताया, जब तक हम कोई चीज को यूज नहीं करेंगे तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे कि वो क्वालिटी कैसी है। लोगों के ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल कर पाते। हम चाहते हैं कि लोग अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स ले हमसे लेकिन हम यूज नहीं करेंगे तो हम यूज नहीं करेंगे तो हम किसी को भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। मैं सिर्फ शेयर करती हूँ, अपने आप सेलिंग होती है। तो फ्रेंड शेयर कैसे करती हूँ? खुद यूज करती हूँ। अब मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करके पार्टी में गई, लोग पूछेंगे बहुत अच्छी लग रही है पहले से तेरे में ये डिफरेंस है, लीड बाय एग्जांपल। तो वो मैं बोलती हूँ कमाल है हमारे मोदी केयर के अर्बन कलर प्रोडक्ट के। तो वो बोलते हैं कि दिखाओ क्या है, तो मैं उनके साथ मीटिंग फिक्स करती हूँ और अपना ये टूल्स मोदी केयर के पाउचेस जो कि हमारे बहुत शानदार है मेकअप की ये मैं तैयार रखती हूँ। उसमें एक होता है जो मैं यूज कर रही हूँ, एक में कुछ न्यू प्रोडक्ट, तो वो मेरे दोनों टूल्स मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। पाउच देख के तो इसका ऑर्डर मेरे को डेफिनेटली मिलता है क्योंकि इतने शानदार पाउच है, इतने इसमें स्पेस है तो हमें इजीली इनका ऑर्डर मिलता है। अब मैं इसमें से उनको टच एंड फील करवा सकती हूँ। मैं उनको दिखाती हूँ हमारा ये इल्यूमिनेटिव लोशन है ये कैसे काम करता है। मैं उनको दिखा के इनकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, इसका यूज बताती हूँ और उनको जब वो टच और फील करते हैं तो इल्यूमिनेटिव लोशन को देखने के बाद उसका ऑर्डर जरूर देते हैं। इसी के साथ में इसके मोदी केयर के 3 से 4 और हमारी ये लिपस्टिक है, उनको लिपस्टिक की पैकेजिंग दिखाती हूँ, फिर उनको टच एंड फील करवाती हूँ। तो जहाँ वो एक या दो प्रोडक्ट लेने वाले होते हैं मेरी इस मेकअप किट इस जादुई पिटारे को देखकर वो मुझे 5 से 6 प्रोडक्ट ऑर्डर दे देते हैं। और मैं अपने साथ एक ये मेकअप किट लेके जाती हूँ जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे पास, तो एज हैंड टू हैंड मैं उनको ये डिलीवर कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पास न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये मैं कोई इकट्ठा नहीं करती, मैं कैसे करती हूँ इनमें कि जब भी कंपनी के ऑफर आते हैं, आपको बताओ अर्बन कलर के ऑफर बहुत शानदार आते हैं। हम जब ज्वाइन कर रहे तो हमें बताया जाता है कि हमें MRP से 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है बट अर्बन कलर पे जो ऑफर्स आते हैं तो आपको डिस्काउंट 30 से 40% के मिलते हैं। हमें DP रेट पे 25 से 30% डिस्काउंट मिल जाता है, तो हमें MRP से 30 से 40% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। फिर उनपे रीपर्चेज हमें 10% का बताया जाता है बट अर्बन कलर के जो ऑफर आते हैं उनपे रीपर्चेज 25 से 30% का रहता है। तो मैं जब भी अर्बन कलर के ऑफर आते हैं उनका भरपूर फायदा उठाती हूँ क्योंकि हमें सुरेखा मैम ने एक ही चीज सिखाई है कि हमें ऑफर में घाटा नहीं खाना है। तो जो भी ऑफर आता है उसके प्रोडक्ट में पहले उठाती हूँ, फिर उसका टीम में वीडियो बना के जैसे कि उर्मिला जी ने बताया था शेयर करती हूँ और उन ऑफर को अपने अकॉर्डिंग पोस्टर बना के मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने स्टेटस में फेसबुक पे सब जगह शेयर करती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इस महीने हमें ऑफर आया है मैट लिपस्टिक और क्रीम ग्लेम लिपस्टिक पे। अगर आप मैट लिपस्टिक 2 लेते हैं 2 BB मैट लिपस्टिक अगर 2 ले रहे हैं तो 175 ईच पड़ रही है। अब हम मॉल्स में जाते हैं तो हमें क्या अट्रैक्ट करता है? वहां के ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अब भी हमारी जो लिपस्टिक है अगर MRP है उसकी 355 तो हमें वही रेट पड़ रही है 350 में, हमें 2 लिपस्टिक मिल रही है।
तो मैंने पोस्टर बना के शेयर किया, बाय वन गेट वन फ्री, इजीली कंपनी दे रही है तो बाय वन गेट वन फ्री मैंने शेयर किया और मुझे ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक डाउनलाइन ने उस पर हमें 7.77 पीवी मिल रहे हैं, तो उसने सिर्फ 10 ऑर्डर पे अपना 80 पीवी कर लिया और एक खाली मैट लिपस्टिक के ऑफर पे। फिर इसी तरह हमारी क्रीम लैम्प पर 150, अगर दो लिपस्टिक ले रहे हो तो 150 में आ रही है, तो फिर हमने वही वो 300 हमारे 299 एम डीपी रेट पे पड़ती है, तो वाई वन कैट वन थ्री वो उसी पे दिया, तो ये पोस्टर ने धमाल मचा दिया। इसी तरह भी एसडी डिफाइनिंग पे बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, तो आप उन ऑफर्स को कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंग उसको शेयर करोगे तो आपको ऑर्डर जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स, और अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। और हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना सबसे पहले जरूरी है, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको हम काम में लेते हैं, तो उसको आप नॉलेज लेके फिर शेयर करते हो तो ऑर्डर मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये बिजनेस आपको मैं फ्रेंड्स बताऊं तो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है, जितना स्मार्टली आप इस बिजनेस करते हो उतना ही आपको ग्रो करता है। तो अर्बन कलर के ऑफर्स को आप अपने अकॉर्डिंग बना के और उसके पोस्टर शेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि अर्बन कलर हमारे लिए है ही नहीं, मेकअप हमारे लिए, जेंट्स सोचते हमारे लिए नहीं है, पर हर लेडीज इसको यूज करती है, उनके घर में लेडीज यूज करती है। तो आप यूज करके और इसके ऑफर्स का फायदा लेके अगर आप शेयर करोगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको ये इसमें ऑर्डर जरूर मिलेंगे, और ये है 60% पीवी के ऑर्डर। आपके ऊपर होता है कि आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 40 से 50% डिस्काउंट पे, तो आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो या 20% डिस्काउंट दे रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना डिस्काउंट देके और कैसे आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक टिप्स और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझसे कोई मोदी केयर का प्रोडक्ट ले रहा है अर्बन कलर की, तो मैं उसके साथ दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट सैंपल के भी दे देती हूँ। जैसे कि अभी आपको उर्मिला जी ने बताया कि हमें सैंपलिंग करनी चाहिए, तो किसी ने मेरे से अगर 1600 रुपए के प्रोडक्ट लिए तो मैं उसके साथ अपना किचन किंग मसाला या कुछ भी एक प्रोडक्ट 50 से 60 या 100 रुपए तक का गिफ्ट कर देती हूँ, तो उसको वो दूसरी कैटेगरी का भी एक सैंपल मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसके पास जाती हूँ तो मुझे वहां का भी ऑर्डर मिल जाता है। अपने इतने स्मार्टली बिजनेस करने पे हमें जरूर ऑर्डर मिलता है, और साथ में अपना एक विजिटिंग कार्ड ले जाना मैं नहीं भूलती हूँ। मैंने मोदी केयर के अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, तो ये मैं विजिटिंग कार्ड वहां जरूर देके आती हूँ, तो उस विजिटिंग कार्ड से वो मुझे कनेक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि कार्ड उनके पास होता है तो मुझे कभी भी कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा मैं जो भी कस्टमर जुड़े हैं उनकी मैं लिस्ट रखती हूँ, और उस लिस्ट पे अपने अर्बन कलर के जो न्यू प्रोडक्ट आते हैं उनको जरूर शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स ऑर्डर कलेक्ट करने में एक आपको और बताना चाहूंगी मैं कि हमारे यहाँ जब भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मैं उसको जरूर बाय करती हूँ, और उस बाय करके उसको यूज करती हूँ और उसका फीडबैक शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, उस फीडबैक को शेयर करने से मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो मेरी ये कुछ टिप्स थी जिसको आप अगर यूज करोगे तो आप सिर्फ अर्बन कलर को काम में लेंगे 200 से 300 पीवी इजीली कर पाते हो, और मेरी पूरी टीम इसी के ऊपर काम करती है। अर्बन कलर के ऑफर को आप कैलकुलेट कीजिए, उस ऑफर के बारे में समझिए और उन प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं उसको शेयर कीजिए, तो आपको इजीली इसके ऊपर ऑर्डर मिलेगा। आई होप आपको मेरे टिप्स पसंद आए होंगे, आप इसको काम में लेके बहुत अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स ये तो बात हुई अर्बन कलर की, फिर हमारा बिजनेस डिपेंडेड होता है मीटिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, और हमारी पल्लवी मैम की टीम में प्रोस्पेक्टिंग क्वीन है लवली झा, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रही है, डायरेक्टर लेवल पे है, और उन्होंने हम प्रोस्पेक्टिंग क्वीन इसलिए कहते हैं कि वो कहीं भी जाए वहाँ प्रोस्पेक्टिंग करती है और ज्वाइनिंग जरूर करवाती है, और कैसे वो ऑर्डर कलेक्ट करती है अपनी आईडी पे, वो 200 से 300 पीवी कैसे करती है आज उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। तो हम आप मेरा हेल्प कीजिए उनका स्वागत करने में। लवली मैम आइए और हमें बताइए कि आप कैसे ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। वेलकम पल्लवी मैम। थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई मेरी, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉर्म वेलकम। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मैं अपनी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं हमारे माइंड में दो ही चीज रहती है, या तो बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो माइंड में क्या आता है, अच्छा इसको 3000 का ऑर्डर लगवाना है, 60 पीवी करवाना है, या अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, बट हमें क्या प्लानिंग करनी है। देखिए इस बिजनेस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसके लिए भी हमें हमारे माइंड को थोड़ा सा सेट करना है,
किस तरीके से करना है। जैसा कि पल्लवी मैम ने कहा कि हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे लोकल में जाएं चाहे कहीं दूर भी जा रहे हैं, हम अपना टाइम लगा के जा रहे हैं, हम अपना कन्वेंस भी लगा के जा रहे हैं, कुछ भी पैसे खर्च होते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ उतनी देर हम नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम या तो ज्वाइन करें या वहां से 2000 का ऑर्डर लेके उठे, ये सबसे पहले सेट कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो आप अपना एक बैग प्रिपेयर कीजिए। आई होप बहुत लोगों का होगा, उसमें कम से कम आप 5 से 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट रखिए और उसमें 5 से 6 कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट सबके होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला बंदा अगर थोड़ा सा सीनियर है, थोड़ा सा अगर उसको फिजिकल प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट पर हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अगर कोई लेडी है सामने तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट पे कर सकते हैं, अगर कोई हमारा मान लीजिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी करके जानी है। ओके, अब हम गए वहां पर, हमने हाय हेलो किया, हम वहां बैठे और हमें क्या करना है, एक नेटवर्कर को ना हमेशा अपने दिमाग को चला के रखना है। कैसे, कोई कैसे बोल रहा है, बोलते हुए उसके वीकनेस क्या है, उसके लाइफ में क्या मिसिंग है, क्या वो कमर पे हाथ रख के बैठ रहा है, क्या वो जोड़ों पे हाथ रख के बैठ रहा है, या अगर कोई लेडी है सामने तो अगर उसने डार्क से लिपस्टिक लगा रखी है तो उसका मतलब वो मेकअप में बहुत इंटरेस्ट लेती है। तो ये सारी चीजें रीड करने वाली होती हैं, तो ये एक नेटवर्कर को बात करते करते निकालनी है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसको किस चीज की नीड है, और ये हमारा शुरू हो जाना चाहिए जब भी हम किसी के घर में एंट्री लेते हैं। तो मैं वही करती हूँ, मैं जाती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, और आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है आप कुछ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ और मैं रीड करना शुरू कर देती हूँ। वहां पे लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, और बात करते करते मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटी बताई। पहली प्रायोरिटी मेरी होती है कि मैं उनको अपॉर्चुनिटी बताऊं, और वो भी पूरा नहीं बताना होता है, जो जिस फील्ड का है उस फील्ड को हाईलाइट करके थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि अगर हाउसवाइफ को बता रहे हैं तो आप अपनी शॉप चेंज कीजिए, ये आपको बेनिफिट होगा। अब 1% के लिए अगर मुझे दिखा, मुझे फील हुआ कि वो अभी ज्वाइन नहीं कर रही है, उसने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है कि बाद में बताएंगे, तब मेरा शुरू हो जाता है वहां पे रिटेलिंग, कि मैं इनको अपना हाउसवाइफ है, मैंने फटाफट गोग्लो निकाला, मैंने अपने हाथों पे लगा के दिखाया और मैंने उनको थोड़ा सा दे दिया पीनट बटर साइज जितना। मैंने कहा आप अपने फेस पे लगाइए और मुझे जरा यूज करके बताइए। ऑन द स्पॉट उन्होंने यूज किया, और जैसे कि अभी सविता जी ने कहा कि स्पेशली अगर लेडीज की बात करें तो वो तो ब्यूटी प्रोडक्ट को देख करके ही ना मतलब कुछ होने लगता है उनको, और वो ले लेते हैं अगर हम उनको दिखाएं। ये बिजनेस चलता है फील एंड टच पे। अगर आपके हाथों में प्रोडक्ट रहेंगे, आप उनको ट्रायल कराएंगे, तो डेफिनेटली आराम से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है। तो जब उनको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली वो ले लेते हैं। फिर पूछती हूँ और आपके घर में कौन कौन है, तो हाँ जी मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, तो उनको कमर में पेन रहता है, और आप क्या करते हैं, तो कई बार काम करते करते बात करते करते ये भी कहते हैं कि हमारा फील्ड वर्क है तो बॉडी में पेन रहता है। कई लोगों से बात हुआ है उनका क्या होता है, दूध वगैरह का काम होता है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि दूध वगैरह का काम है तो फील्ड वर्क ज्यादा होगा, गाय भैंसों के साथ रहते हैं तो उनके जॉइंट में पेन है। तो इस तरीके से मैंने अपने ऑर्डर निकाले कि इनको पेन ऑयल जाएगा, इनको कैल्शियम विटामिन डी जाएगा, हाउसवाइफ है तो उनको गोग्लो जाएगा, लिपस्टिक जाएगी अगर लिपस्टिक लगा रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कैटेगरी ओपन करके उनके सामने रख देती हूँ। तो ये होता है हमारा पहला। दूसरा मैंने शेयर किया कि हमेशा जब भी आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, हमेशा 4 से 5 कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। बिजनेस को ग्रो करना है तो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, माइंड को रीड करना शुरू कर दीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज यूज शुरू कर दीजिए, उनका टेस्ट शुरू कर दीजिए। जैसे कि अब हाउसवाइफ की ही बात करें तो सारी हाउसवाइफ को सजना सवरना पसंद नहीं होता, मतलब मोस्टली कोई हो सकता है पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, कोई हो सकता है ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो, किसी को घर के काम साफ सफाई बहुत पसंद है। तो अब साफ सफाई पसंद है तो उस लेडी को हम ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे बियॉन्ड ब्लू, उसको दिखाएंगे स्पिक एंड स्पैन, उसको दिखाएंगे हम स्टेरी क्लीन। तो हर एक चीज में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं कि हाउसवाइफ है तो हम अर्बन कलर ओपन करके बैठ जाएंगे। तो वही चीज हमें रीड करना है, उनका टेस्ट हमें रीड करना है। तो बिल्कुल एक नेटवर्कर का माइंड ना हमेशा ऑन रहना चाहिए, हमेशा उसका मोड ऑन रहना चाहिए। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली ज्वाइन तो करेगा ही बंदा, साथ में अगर 1% नहीं भी करता है तो आईडी लगाता है। जैसे कि मैं एक चीज और शेयर करती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, मैं अपने कुछ दिन पहले अपने घर के लिए एक मैट्रेस लेकर आई थी, तो मैंने ये अपना माइंडसेट रखा था कि बंदा जो ज्वाइन करेगा दुकान वाला, मैं उसी से अपने घर का मैट्रेस लूंगी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैट्रेस जहां से लिया उसने ज्वाइन भी किया,
और वो हर महीने 5,000 की बिलिंग करते ही हैं अपनी। तो इसी तरीके से मेरा टारगेट रहता है, अब जैसे मैं यहाँ से आपका घर से मेट्रो स्टेशन जाती हूँ तो मैं ऑटो यूज करती हूँ। अब ऑटो वाले को मैंने फर्स्ट टाइम बताया, जैसे कि मैंने शेयर किया बिजनेस प्लान, तो उसने थोड़ा सा इग्नोर किया। अब मैंने उसको बिजनेस प्लान छोड़ दिया और मैंने उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। जितनी बार जाती हूँ एक दो प्रोडक्ट बताती हूँ, या मैं एक काम और करती हूँ, मैं कॉलिंग कर लेती हूँ स्पेशली उन लोगों को जो अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी भैया, आपका हेल्थ कैसा है, कैल्शियम आपको कैसा लगा, तो उसके कान में दो चार बातें गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, देर से ही सही अभी 2 महीने पहले वही ऑटो वाले भैया मुझसे हर महीने 2 से 2,500 का सामान लेते हैं सप्लीमेंट का। तो इस तरीके से छोड़ना किसी को नहीं है, या तो बिजनेस में लेकर आना है या अपना रिटेल कस्टमर बनाना है। और सबसे खूबसूरत बात ये है इस बिजनेस के, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की, कि एक बार बंदा अगर एडिक्टेड हो जाता है ना प्रोडक्ट को लेके, तो आईडी लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहा है, सिर्फ फ्री में आईडी लगा के उसको बेनिफिट्स बता दीजिए और आईडी भी आ जाती है। तो उन ऑटो वाले भैया की कल ही मेरे पास आईडी भी आ गई, समझ में आ गया कि मैम सामान तो लेना ही है, यहां से ना लेके यहां से लेंगे आप, मेरी आईडी लगा दो। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं भी शुरू में एक छोटा सा मिस्टेक करती थी, बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार फिर भी मैं उसके पीछे पड़ रहती थी, भैया आईडी लगा लो, भैया आईडी लगा लो, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उस चक्कर में रिटेलिंग भी गई और प्रोस्पेक्ट भी गया। अब मैंने एक बार बताया प्रोस्पेक्टिंग बिजनेस प्लान, अगर उसको लगा कि हाँ अभी नहीं करना है, मैं छोड़ देती हूँ, नहीं बताती उसको, मैं प्रोडक्ट्स पे बताती हूँ। फिर जब वो 2-4 महीने प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आईडी अपने आप लग जाती है। तो इस बिजनेस को हमें इस तरीके से लेना है, हमें रीड करना है और हमें फिजिकल चीजों को देखना है कि स्किन में इंटरेस्ट है, बॉडी में पेन है। एक चीज और करते हैं हम, चलते फिरते, जैसे कि मैंने कहा नेटवर्कर का हमेशा मोड ऑन होना चाहिए, माइंड हमें देखना है। अगर हम किसी लेडीज के सामने जा रहे हैं या जेंट्स के सामने, हम देख रहे हैं उनके आईज डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उनके पिंपल्स हो रहे हैं, तो हम पूछ लेंगे कि आप कैसे, आप क्या यूज कर रहे हो, तो बोलेगा कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम है मुझे। तो आप कह सकते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं, इसको जरूर हाईलाइट कीजिए। तो बंदा एक मिनट के लिए ट्राई करने का सोचेगा भी, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमारी क्वालिटी कैसी है। और टचवुड, वापस कभी कोई प्रोडक्ट आता नहीं है। एक बार अगर मैं ये बोल के भी दे देती हूँ कि हाँ मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी 25 दिन के अंदर अगर असर नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेरी टीम में भी बहुत अच्छा काम होता है रिटेलिंग पे और बहुत बढ़िया से बिजनेस चल रहा है। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। और आगे हम सेशन को बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी वापस से हमारी पल्लवी मैम को। पल्लवी मैम, ओवर टू यू। वाओ, जस्ट वाओ, इतनी शानदार टिप्स आपको हमारे 3 डायनामिक लीडर्स ने एक के बाद एक दी। एंड आई होप ये सब टिप्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपके पर्सनल पीवी को कंप्लीट करने में। दोस्तों एक बात आप सोच लीजिए, ये बिजनेस है प्रोडक्ट्स का, ये बिजनेस है सपनों का। आपको सोचना है किस चीज का बिजनेस है। कुछ लोग सोचते हैं प्रोडक्ट का बिजनेस है। जो लोग प्रोडक्ट का बिजनेस सोचते हैं और सिर्फ प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो लोग बहुत बड़े नहीं हो पाते। आपको प्रोडक्ट के साथ साथ में सपनों को एड ऑन करना होता है। और जब आप दोनों चीजों को एड ऑन करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ हम लोग काम में लेते हैं अपनी सक्सेस को बड़ा बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को जरिया बनाना है। प्रोडक्ट को जरिया आप कैसे बना सकते हैं, जब आप इनको यूज करेंगे, इनसे प्यार करेंगे। जब आप यूज करेंगे, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तभी तो आप शेयर कर पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या सोचते हैं, अब गमी आई तो उनको लगता है सारी दुनिया गमी खा ले, सारी दुनिया को हम गमी बेच दें, लेकिन हम नहीं खाएंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो पूरा फिट एंड फाइन है। लेकिन लोग बहुत स्मार्ट हैं। जब तक आप खुद किसी चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ही बेटर नहीं हो पाता। आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता ही नहीं सकते कि उस गमी में है क्या और क्या नहीं है। एक डब्बी जरा गमी खा लीजिए तो आपका जो वो किसी चीज को शेयर करने का जो वो मजा है ना, वो दुगना हो जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले सेल्फ यूज करना है। हमने आपको ये सिखाया, सेल्फ यूज करना है 100% जो मोदी केयर बनाता है और जो आपके घर में काम में आता है, वो मोदी केयर से ही आना चाहिए। इतना आपको 100% डिवोटेड समर्पण मोदी केयर के प्रति आपको करना होगा अगर आप बड़ी सफलता यहां से पाना चाहते हैं। 5-10 हजार रुपए के लिए आए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर बात लाखों की है तो फिर आपको 100% डिवोटेड होना होगा। दूसरा, आपको छोटी छोटी वीडियोस के टूल्स बनाने हैं।
आपके खुद के होंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि आप जिन लोगों को वीडियो डाल रहे हैं, जिन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं, वो लोग आपको जानते हैं, मुझे नहीं जानते। अगर आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कर देंगे तो उनको नहीं पता कि हु इज पल्लवी। आप जानते हैं मुझे, आपका मुझ पर ट्रस्ट है, बट उनका मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। उनको लगेगा पता नहीं कौन है, नहीं है। लेकिन जब आप, जो आप उनके बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस बिजनेस में अपने करीब लोगों को, जिनको हम जानते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करते हैं। तो आप जब उन लोगों को डालते हो कि मैंने गम्मी यूज की, तो उन लोगों का एक सेल्फ बिलीव आपके ऊपर होता है और वो उस बिलीव को तोड़ नहीं पाते। तो कोशिश कीजिए, आपकी खुद की छोटी 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 वीडियोस बनाइए और वो वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में शर्माना नहीं है, हमारा बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का ही है, हमको प्रचार ही तो करना है। तो जब बिजनेस ही प्रचार का है तो प्रचार करने से डर कैसा? प्रचार करना सीखिए, जितना अच्छा आप प्रचार करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप डेफिनेटली यहां से कमाते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफर्स को काम में लेना है। कंपनी इतनी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स लाती है, लोग इंतजार करते हैं। सोचिए, क्या आप ऑफर्स को काम में लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑफर्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी ही धुन में चल रहे हैं और इसीलिए शायद आपके लिए पर्सनल पीवी करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऑफर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कंपनी क्या ऑफर ला रही है, ऑफर्स के ऊपर कैलकुलेशन कीजिए कि किस ऑफर, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में मूव किया जाए तो कितना पीवी हो जाए। उसके बाद आपको करना है होम मीटिंग्स में से या तो ज्वाइनिंग या ऑर्डर, अपने माइंड को कमांड देनी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई इनपुट लेकर आइए। अगर आप खाली हाथ आ जाएंगे तो आपको खुद को एक डिसअपॉइंटमेंट होगा कि मैंने आज के दिन में क्या किया। लेकिन अगर आप एक मीटिंग में गए और उस मीटिंग से अगर ज्वाइनिंग नहीं भी मिली, मैंने आपको शुरू में ही बताया कुछ लोग रिजल्ट एकदम से डिसीजन मेकर नहीं होते, वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, वो लोग थोड़ा सा समय लेते हैं। लेकिन जब तक वो समय ले रहे हैं तब तक आप उन लोगों को छोड़ नहीं सकते, उन लोगों के घर में प्रोडक्ट तो आ ही रहे हैं ना कहीं से। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द सबके घर में सर्फ साबुन चाय पत्ती तेल आ रहा है। हर कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा लेकिन हर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि उन लोगों के घर में जो प्रोडक्ट जाए वो मोदी केयर से जाना शुरू हो जाए। और ऑब्वियसली अगर वो आपके थ्रू जाएगा तो आपका पीवी ज्यादा होगा, पीवी ज्यादा होगा और इनकम ज्यादा होगी। तो आपको फोकस करना है हर घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। भले कोई दो प्रोडक्ट से शुरुआत करे, कोई बात नहीं, आज दो लेगा, दो अच्छे लगेंगे तो कल को 10 भी लेगा, और 10 लेने लगेगा तो फिर ज्वाइन करने में कितनी देर लगेगी उसको, फिर आप उसको बेनिफिट बताएंगे तो वो ज्वाइनिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो ये हमारा तरीका है दोस्तों अपने बिजनेस को बिल्ड करने का, अपने लोगों को हेल्प करने का। यही चीज आप काम में लीजिए, इन्हीं चीजों के ऊपर काम कीजिए और सत्ते पे सत्ता खेलते जाइए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाते जाइए। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ, आप लोगों को सिखाने की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।